हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें कि हार्मोन्स के बारे में जानेंगे और वो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिकाएँ नहीं होती है, यानी कि डक्ट उसमें नहीं होती है। इसके बाद फिर आए वो क्या, तो वो रक्त के साथ बहती है। जब वो रक्त के साथ यानी कि जो ब्लड वेसल्स में ही बहती है, तो उसको नलिकाएं की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। तो हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ है, यानी हमारे शरीर में वो किस किस पार्ट में कहाँ कहाँ कौन से ग्लैंड अवस्थित है, हम उस चीज़ को देखते हैं। तो उनकी स्थिति को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हम लोग ब्रेन चैप्टर में हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये भी हमारे ब्रेन में होता है। इसके बाद आ गया पीनियल ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में होती है, इस वाले भाग में, यहाँ पे इसका लोकेशन भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद ब्रेन में ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद थायराइड, हमारे गले में जो श्वसन नली है, इस नली में हमारे ये क्या कहते हैं, आउटो ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे थोड़ा सा छोटा सा है ग्रंथि, जिसको बोलते हैं हम लोग पैराथायराइड। पैराथायराइड के बाद क्या होता है कि थायमस ग्रंथि होता है। थायमस ग्रंथि का जो लोकेशन है वो हमारे हार्ट के पास होता है, यानी कि जहाँ पे सांस लेकर फेफड़ा है ना, फेफड़ा के जस्ट बगल में ही ये छोटी सी ग्रंथि है। तो ये थायमस हो गया। इसके बाद हमारा आ गया एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है कि वो भी हमारे जो कि किडनी पड़े थे हम लोग, जो किडनी था उसके ऊपर टोपी जैसा छोटा सा, छोटा दोनों ही किडनी पे अवस्थित होता है ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो ये पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता है, ये मिक्स्ड है, यानी कि ग्रंथि यानी कि ग्लैंड जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिक्स्ड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो ये हमारा मिश्रित ग्रंथि में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में। इसके बाद हो गया टेस्टिस। मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी। तो हम लोग इसको यानी अभी भी पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस और ओवरी के बारे में, लेकिन इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, सब हाइपोथैलेमस के पास पढ़ तो लिए, ब्रेन में भी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी होते हैं हमारे शरीर में, सबका कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि ये तो हमारे ब्रेन में है। तो ये ब्रेन और इसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा करता है माइंड, यानी कि नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो वो हो गया, और ये सारे चीज़ों को करता है। तो हम लोग ये हाइपोथैलेमस के बारे में देख ही लिए थे, तो जिसमें कि हम लोग खाने पीने का कंट्रोल जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, और हाइपोथैलेमस में ही एक एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस नामक हम लोग उसको पढ़े थे, जो कि दोनों मिलके एक संरचना तैयार करता है, और जिसको बोलते हैं हम लोग लुम्बिक लोब। लुम्बिक लोब पढ़े थे हम लोग इसको ब्रेन में। तो ये लुम्बिक लोब भी क्या करता है, हमारे गुस्सा, भावना, प्रेम, ये सब चीज़ को, मतलब कि इवन की सेक्सुअल जो फीलिंग्स होती है वो सब को भी ये ही उत्तेजित करता है। तो ये हमारा लुम्बिक लोब करता है, ये भी क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया। इसके बाद आ गया पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्लैंड का लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं। तो पीनियल ग्लैंड से क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है कि सबसे पहले ये क्या करता है, जिससे हम लोग सोते जागते हैं उस साइकिल को कंट्रोल करता है, यानी पीनियल ग्लैंड की वजह से हमें नींद भी आती है, यानी कि हमारे सोने जागने में इसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है। और इसके बाद क्या होता है ये कि पिगमेंटेशन, यानी कि हमारे कलर का, जो कि हमारा कलर है उसको भी इफेक्ट करता है। और तीसरी चीज हो गया वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये पीनियल ग्लैंड जो हो गया, ये भी हमारे ब्रेन में ही होता है। उसके बाद आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि। यानी कि ये मास्टर ग्लैंड के नाम से इसीलिए फेमस है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोनों पे इनका कंट्रोल चलता है।
लेकिन एक पैराथायराइड हार्मोन है जिसमें इसका कंट्रोल नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया, इससे मुख्यतः पांच हार्मोन्स, बहुत सारे निकलते हैं लेकिन मुख्यतः पांच हार्मोन निकलता है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जैसे ही, मतलब कि इस हार्मोन का बहुत ज़्यादा निकलता है जिसके शरीर में, देखिए मान सामान्यतः क्या होता है कि हमारे शरीर में उतने ही हार्मोन निकलते हैं जितना हमें आवश्यकता होता है, लेकिन किसी किसी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा निकलने लगता है। और बहुत ही ज़्यादा निकलने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। जनरली तो कोई 7-8 मतलब 8-9 फीट लंबा तो होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हो जाता है, यानी कि असामान्य वृद्धि होती है। जिस इसको एक बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं जायगोटिज्म, वो बीमारी हो जाती है बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन के निकलने से। लेकिन अगर किसी में कम हो गया, अगर मान लीजिए किसी में कम हो गया, तो क्या होगा कि वो बौना हो जाएगा। देखते होंगे कोई कोई शरीर से बहुत ही ज्यादा छोटा रहता होगा, इतना बड़ा सा, यानी कि उसका बौनापन का कारण क्या है, ग्रोथ हार्मोन। उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे बहुत ही कम है। या फिर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम है। फिर आते हैं हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास। ये दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSH। तो इससे क्या होता है कि थायराइड हार्मोन निकलता है। जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन कम बनने लगता है, और थायरोक्सिन जो बनता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो थायरोक्सिन जब कम बनने लगता है तो क्या करता है, ये उसको प्रेरित करता है। थायराइड हार्मोन जो है वो उसको प्रेरित करता है ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हो सके। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये कार्य है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए ये तीसरा हार्मोन जो निकलता है ये है प्रोलैक्टिन। दूसरा देख लिए, तीसरा प्रोलैक्टिन। नाम से लग रहा है कुछ जाना पहचाना है, जैसे बहुत सारे दूध वगैरह से रिलेटेड होता है, लैक्टोजेन और भी बहुत सारे कुछ आते हैं। तो इसमें जो लैक्टिन है, इससे ही आप याद रख सकते हैं कि ये दूध से रिलेटेड है। तो क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन को मोमेट्रोपिन भी बोलते हैं, यानी कि मेमोट्रोपिन। ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसका ग्रोथ करता है। तो ये मेमोरी ग्लैंड का भी ग्रोथ करना इसका कार्य है। और दूसरा चीज है कि ये मिल्क का भी सिक्रेशन करता है। जब कोई महिला गर्भवती हो, यानी प्रेग्नेंट, ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही 9 महीना पूरा होता है वहाँ पे दूध का भी सिक्रेशन, मिल्क का भी प्रोड्यूस होता है, मिल्क भी बनता है इससे। इसके बाद जब दूध बन जाता है तो ये हो गया हमारा, क्या किया, दो काम किया, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ किया और दूसरा मिल्क का भी सिक्रेशन कर दिया, यानी कि मिल्क का भी निर्माण कहाँ हुआ हमारा, इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से हुआ। और फिर आया ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का नाम तो हमको लगता है आप जनरली सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये देखिए, अब तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी हो गया, इसके बाद क्या हो गया कि दूध भी बन गया, लेकिन दूध निकालने का कोई उपाय होना चाहिए। जब बच्चा का जन्म हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो बच्चे को तो दूध पीने के, उसको भूख तो लगती है, दूध पीने का जरूरत पड़ता है। तो क्या बच्चे में उतनी ताकत तो होती नहीं कि दूध को, मतलब कि खींच के पी सके। तो क्या होता है कि उसके बर्थ के बाद जो होता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलना शुरू होता है उसके मेमोरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से मिल्क अपने आप ही सिक्रेशन, मतलब मिल्क बाहर आने लगता है, बच्चे को दूध पीने के लिए वो दूध बाहर आने लगता है, यानी कि ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं देना पड़ता और दूध वो पी लेता है आराम से, क्योंकि एक दिन का बच्चा को कितना दूध पीने आएगा। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यहाँ पे यूज होता है। तो फिर देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है उसको लोग गाय भैंस सबको देने लगे हैं दूध निकालने के लिए, क्योंकि दूध ऐसे उसको बहुत मेहनत लगता था, तो बहुत सारा दूध का निकालना हो, यानी बेचने के लिए दूध का जरूरत पड़ता है। तो वो लोग दूध को क्या कर रहे हैं अब कि सब गाय को दूध दूने से पहले ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके वजह से दूध बहुत सारा निकलता है, यानी बहुत उसका जो अपने बच्चे के लिए नहीं बचा पाता है। इसके बाद हमारा पांचवा जो आ गया हार्मोन, ये सारा जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकल रहा है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन भी जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस से ही निकलता है, यानी कि हाइपोथैलेमस में ही ऑक्सीटोसिन जो होता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये हाइपोथैलेमस में ही बनता है। लेकिन होता क्या है कि ये तंत्रिका कक्ष यानी न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है ये कि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो बाहर निकलता है, इसीलिए हम लोग
बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकला, लेकिन बना कहाँ हमारा हाइपोथैलेमस में। सारे हार्मोन को कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस ही कर रहा है, तो इस यहाँ पे भी ये दोनों हार्मोन भी बना हमारा हाइपोथैलेमस में, लेकिन जब यूज हो रहा है तो वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से यूज कर रहे हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला। फिर एक आगे लास्ट हमारा पांचवा वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होती है उसको देखिए, ये जल एवं आयनों का पुनर्शोषण करता है, यानी कि जल जो हम लोग पीते हैं एक बार अवशोषण हो गया फिर से पुनर् है ना, इसलिए फिर से अवशोषण होता है ताकि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा जल बाहर नहीं निकल जाए। यानी कि क्या करता है ये कि जल का मतलब पुनर्शोषण जो भी उससे अच्छा चीज़ है वो और भी अवशोषित कर लेता है, जल का जो हमारी बॉडी को यूज हो उसको भी अवशोषित कर लेता है, इसके बाद तो उसको बाहर निकालता है। तो इसका पुनर्शोषण जो हो जाता है ताकि जल की हानि ना हो सके, इसको बोल सकते हैं कि यूरिन की सांद्रता को भी ये कंट्रोल करता है। इसीलिए ये वैसोप्रेसिन जो है उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद वाले के ऊपर पढ़ते हैं। तो इसके बाद यानी कि हम लोग देख लें क्या, हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड को भी देख लें, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देख लें। तो थायराइड ग्लैंड, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो हम जानते हैं कि हमारे गले में होता है, तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन के बनने में आयोडीन का बहुत अहम भूमिका है, तो ये आयोडीन युक्त नमक हम लोग इसीलिए खाते हैं क्योंकि थायरोक्सिन बन सके। तो ये थायरोक्सिन का कमी अगर प्रेगनेंसी में हो जाए, अगर लेडीज को हो जाए, जब वो कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो क्या होता है, क्रिएटिनिज्म नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है बच्चे मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, त्वचा असामान्य हो जाते हैं। तो ये सब किसके वजह से होता है, हमारा थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। अगर यही थायरोक्सिन कमी हो जाता है बड़ी लड़कियों में, औरतों में, तो क्या होता है बड़ी लेडियों के साथ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, यानी कि पीरियड मिस होने लगते हैं। तो ये होता है हमारा थायरोक्सिन की वजह से, और थायरोक्सिन की वजह से ही क्या होता है कि गॉइटर नामक एक बीमारी होती है, इसको कि घेंगा बोलते हैं, गले में हो जाता है ना, गला फूल जाता है। तो ये आयोडीन के कमी की वजह से होता है, यानी आयोडीन से क्या बन रहा है, थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन की कमी की वजह से, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है। ये हो गया। फिर हमारा आ गया पाराथायराइड। गले में ही एक होता है छोटा सा थैला है, वो पाराथायराइड है। तो ये पाराथायराइड से क्या निकलता है हमारा कि पाराथायराइड हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है हमारे शरीर में रक्त में जो होता है कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, यानी कि कैल्शियम आयन के साथ रक्त जब मिलता है तो क्या करता है कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी हड्डी मजबूत होती है। तो पाराथायराइड का भी बहुत ही अहम भूमिका है हमारे शरीर में। तो ये इसका हो गया। फिर बात करते हैं थायमस का। थायमस जो होता है हमारा फेफड़ों के बीच में होता है, यानी कि वक्ष के पास होता है। तो ये जो होता है इससे ह्यूमरल इम्यूनिटी बनता है, यानी कि इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो होता है कि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट का निर्माण कर रहा है, टी लिम्फोसाइट और प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं कि लिम्फोसाइट क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है उससे क्या होगा कि कुछ लोग कम बीमार पड़ेंगे। प्रोटीन क्या करता है, हमारे वृद्धि में मदद करता है। तो ये एज के साथ थायमस क्या होता है, घटने लगता है, यानी कि थायमस से जो निकल रहा है थायमोसिन हार्मोन जो निकल रहा है थायमस से, वो जब थायमस का अपघटन होगा तो थायमोसिन शरीर में कम बनने लगता है। तो ये एज के हिसाब से धीरे कम हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों में या बड़ों में, यंग लोग में होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाता है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, वो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बस ये इसी कारण होता है, क्योंकि थायमोसिन जो होता है वो घट जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, और इससे क्या होता है कि बीपी को बढ़ा देता है। तो एग्जांपल ये हम लोग में तो होता ही है, लेकिन कुछ जानवरों में भी निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन, यानी कि उसमें भी एड्रिनल ग्लैंड होता है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है, वो हर समय अपने शरीर को तैयार करके रखती है कि जैसे ही आप हाथ दीजिएगा गिलहरी को देखिएगा वो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, क्योंकि उसमें वो अपने आप को बॉडी को इस तरीके से तैयार किया है कि लड़ना है तो ठीक है, भागना है तो भी ठीक है, भाग जाती है। तो इसमें क्या होता है
इसको इसलिए इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी में ही निकलता है, जब हम ये बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या फिर वैसे जबकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, ब्लड के साथ ही बहता है, हम लोग जान ही रहे हैं। इससे क्या होता है, बीपी को बढ़ा देता है। अगर सोचिए कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब हमारा ब्लड यानी हम लोग स्पीड से दौड़े, ये हार्मोन निकला, तो ये इसको तो पूरे शरीर तक पहुंचाना, जिस शरीर को यूज करना है उसको तक पहुंचाना है। तो क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। और बीपी के बढ़ने के दौरान भी क्या होता है कि हमारे शरीर में श्वसन दर भी बढ़ जाता है। तो श्वसन दर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, हार्ट जो होता है ज़्यादा ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करने लगता है ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। तो इसलिए इसका बीपी को बढ़ा देता है। इसी की वजह से रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और पसीना भी, दौड़ते हैं तो पसीना भी निकलता है। तो ये किसकी वजह से होता है, एड्रेनल ग्लैंड की वजह से होता है। तो हम लोग एड्रेनल ग्लैंड के बारे में भी जान गए। अब देखिए टेस्टिस, गोनाड्स ग्लैंड जो होता है, गोनाड्स यानी कि जनन हो गया, यानी कि जनन हार्मोन निकलते हैं इससे। तो मेल में अलग और फीमेल में अलग निकलते हैं। मेल में जो होता है वो यानी कि टेस्टिस होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि शरीर के बाहर होता है। तो उसमें जो होता है कि एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो दो तरीके का हार्मोन निकलता है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि स्पर्म का निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, फेशियल हेयर और एक्सिलरी हेयर भी निकलता है। तो ये फेशियल हेयर क्या होता है कि दाढ़ी मूछ वगैरह सब जो होता है वो निकलता है। इसके लो पिच ऑफ वॉइस जो होता है ये इसी हार्मोन की वजह से होता है। और दूसरा तीसरा चीज़ क्या हो गया कि एग्रेसिवनेस यानी कि गुस्सा, बहुत तेज जो गुस्सा आता है मेल में वो किसके वजह से आता है, यही टेस्टिस की वजह से आता है। टेस्टिस में जो ये दोनों हार्मोन है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन उसकी वजह से ही होता है। तो चलिए ओवरी के बारे में देखते हैं। तो ओवरी में क्या होता है, वन पेयर ऑफ ओवरी भी होता है। तो ये ओवरी यानी कि ये दोनों के बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हर मंथ जो होता है ओवरी से, यानी कि लेफ्ट और राइट दो ओवरी होते हैं जिनसे कि एक एक हार्मोन निकल, एक एक ओवन निकलते रहता है। तो ये ओवम यानी ओवरी से जो अंडाशय निकलता है पर मंथ एक निकलता है, कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से। तो इसमें जो होता है दो तरीके का हार्मोन होते हैं, एक तो हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का कार्य है यानी कि फीमेल सेक्स बिहेवियर को ये दर्शाता है, यानी कि इससे फीमेल सेक्स हार्मोन उत्तेज होता है और इसकी वजह से ही हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, यानी कि जब प्रेग्नेंट होता है कोई तो उसको जो सपोर्ट करता है 9 मंथ्स तक जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। तो ये हम लोग हार्मोन्स के बारे में देख लिए। थैंक यू सो मच।